इंडियन कुकिंग शिफ्ट भाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये बैगन का भरता, जिसे मैंने इन बैगनों को मैंने पहले ही उपलों में भून लिया था और इन्हें छील लिया, धुल भी लिया है और इन्हें देख भी लिया है। बैगनों को अंदर ज़रूर देखना चाहिए, कहीं कीड़े ना हों। लीजिए, तो ये बड़ी साइज़ की और लंबे वाले हरे वाले बैगन हैं, ये बुनाई है बैगनी वाले। लीजिए, मैंने इनको देख लिया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें 2 चम्मच तेल भी डाल दिया। तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हींग। हींग डाल दी है और इसमें हम डालेंगे आठ से दस दाने अजवाइन के, और ये मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली हैं, जिनको बारीक बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्ची हैं और ये अदरक है, इसको भी काट लिया है, और ये प्याज है, एक बड़ा साइज का प्याज। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लहसुन। लहसुन कड़क रहा है, साइड से डाल देंगे हरी मिर्ची। ये मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है। लहसुन का कलर चेंज हो गया है, इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज डाल दिया और अब हम ये डाल देंगे अदरक, इसको भी डाल दिया। हम 1 मिनट के लिए मिक्स कर देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, ये प्याज है जल्दी भुन जाए तो इसके लिए हमें नमक, नमक डाल दिया है। अब प्याज को हम भुनने देते हैं। देखिए प्याज भुन गया है, तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कुछ मसाले, आधी चम्मच भुना जीरा पाउडर है और गरम मसाला थोड़ा सा। गैस की फ्लेम को हम एकदम से स्लो कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। आधी चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधी चम्मच, इसको भी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे बैगन, ताकि मसालों के साथ ही बैगन भी भुन जाए, मसाले भी न जलें और बैगन भी भुन जाए। देखिए अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, इनको इसी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें हम नमक डालेंगे। अब ढक दिया है इसको। देखिए अब इसमें मैंने 2 टमाटर लिए थे, इनको पीस लिया है टमाटरों को। इसमें हमें टमाटर डाल के ऐसे मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, वो टमाटर थे ना उसकी प्यूरी थी, उसको धुल के 2 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक डाल दिया। देखिए अब इसको हम ऐसे ही 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए ये मलाई है,
जो दूध हम गर्म करते हैं डेली उसी की मैंने ये मलाई ले ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसको हम करेंगे मिक्स। होटल जैसा लुक देने के लिए इसके देखिए इसको हम गैस मैंने फुल फ्लेम पर कर ली है। अब इसको हम डाल दें, और इसको बराबर कंटिन्यू चलाएंगे, नहीं तो ये फट जाएगा क्योंकि इसमें टमाटर है, पूरी है। देखिए इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। लीजिए बैगन का भरता बन के तैयार हो गया, बारीक फ्री है इसमें, देखिए बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम डाला है मैंने। और हम तो सरसों का तेल ही यूज करते हैं, वही डाला, कम से कम डाला है, इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसे कोई भी खा सकता है, जो नहीं खाता होगा वो भी खा लेगा, इसे सभी पसंद करेंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक करें। ये बनके तैयार है और धनिया डाल दी है, उसे कुछ सेकंडों के लिए हम ऐसे ही पका लेते हैं और अब हम निकाल लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम करेंगे बंद। लीजिए ये बैगन का भरता तैयार है, इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। देखिए जो नहीं खाते होंगे बच्चे वो भी खा लेंगे, ये सब्जी जैसा लग रहा है। कोई कोई तो इसे सब्जी समझेगा कि आपने सब्जी बनाई है, सभी पूछेंगे आपसे कि आपने कैसे बनाया है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं या पूड़ी पराठा के साथ भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में, लंच में या डिनर में, आप किसी भी टाइम आप इसे खा सकते हैं। ये रोटी है, रोटी के साथ या पूड़ी पराठा के साथ, किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।